Finally completed. हेलो, अरे बेबी बस पहुंच गया, बस अभी पहुंचा। हाँ भाई, आज कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस वो KGF 2 देख कर आऊंगा गर्लफ्रेंड के साथ। इतनी भी क्या जल्दी है सर? ये लो फाइल्स, ये सारी फाइल्स बॉस को आधे घंटे पे अपनी टेबल पे कंप्लीट चाहिए। वाह, नहीं वाह, इसका पूरे ऑफिस का फाइल ले आना यहाँ पर, छाती पे पटक दे मेरी। 25,000 रुपए हमको खरीद लिया है क्या? हाँ क्या यार, एम्प्लॉय है ना कि मजदूर है हम। अरे यार सारा मूड ऑफ कर दिया। अरे क्या यार, जब भी मैंने कहीं जाना होता और काम दे देते हैं। कल को तो कहेंगे फ्री हो तो एक काम करो, सब्जियां ले आओ, बच्चों को संभालो हमारे, पहले ऑफिस का काम करो फिर इनके घर का काम करो, यही काम रह गया हमको। अब बंदा काम करे या इसी की सुनता रहे, हद कर रखी है यार इसने, इसका सर फाड़ दूंगा किसी दिन। लेकिन हमको क्या लगता है, जो हमारे बॉस है ना, बहुत नेक दिल आदमी है। अबे दिल होगा तो अच्छा होगा ना। ओ भाई, तुझे बॉस से डर भर नहीं लगता क्या? अरे रुक जा तू, बॉस को तो यूं ठीक कर दूं मैं, वो तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है बस पता नहीं कैसे। अबे रुक जाना, दिख नहीं रहा यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, बाद में आइयो। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो रोहन, हम आपके लिए ही तो बैठे हैं, अब आप हैं तो कंपनी है, आप इस कंपनी के हीरो हैं, बताइए क्या चाहिए? मैम एक छुट्टी चाहिए थी आपसे। छुट्टी चाहिए? Oh no! आज के बाद छुट्टी के लिए मेरे पास कभी मत आना, वरना हमेशा की छुट्टी कर दूंगी। काम इनसे होता नहीं है और छुट्टी चाहिए, जाके काम करिए, गो। अरे नहीं चाहिए मैम, नहीं चाहिए, सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। अरे भाई क्या हो गया, मैडम इतने गुस्से में क्यों है? सब कुछ मांग लियो मैडम से, छुट्टी मत मांगियो। जब बोल रहा हूँ भाई कि मेरा टाइम नहीं है, एक भी सेकंड टाइम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ ज्योति बोलो। राहुल, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? हाँ तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। हाय मैं मर जाऊँ। वो क्या है ना, बॉस ने ना मेरे को PPT बनाने के लिए दी है, तो आधे घंटे में जमा कराना है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए बना दोगे? यार ज्योति, आधे घंटे में क्या, मैं तो 15 मिनट में बना दूँ। चल यार 5 मिनट का ब्रेक ले लें यार। अभी चल यार, चल चाय चूस के लेने चलते हैं। नहीं यार नहीं आ सकते, तेरी भाभी ने थोड़ा काम दिया है, उसका प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। भाभी? कौन सी भाभी होए? ज्योति, तुझे तो पता ही है ऑफिस में सब जा मुझ पर भरोसा करती है। अबे वो थम जा, भाभी हो तेरी, पिछले मंथ उसके मुंबई के असाइनमेंट मैंने किए थे इस स्मार्ट लौंडे ने, और उसने बड़े प्यार से गालों पकड़ कर बोला था कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप पर ही है। ओ डट जा भाई, तू भी डट जा, वो तुम दोनों की भाभी है, उसके लास्ट से लास्ट सारे असाइनमेंट मैंने किए थे,
और उसने बड़े प्यार से हाथ पकड़ के बोला था, ऑफिस में सबसे ज्यादा ट्रस्ट हम आप पर ही करते हैं, आप ये फाइल मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा। ओ भाई देख देख अपने ऑफिस में कितनी क्यूट लड़की आई है। अबे हाँ यार कितनी क्यूट है यार ये। अबे यार तुम दोनों की भाभी ये तो मेरी सेटिंग है। अबे यार ये तो मेरे डिपार्टमेंट की, इसको तो मैं ही सेट करूंगा। अबे तुम दोनों चुप रहो, ये मेरी बीवी बनेगी। चलो बेबी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर, आज हमको आप प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका कंपनी का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है चालू कर। तो एक बात और सर। अबे चालू कर। हैव अ लुक। सर हमें पता है कि हमारी कंपनी की वैल्यू बहुत डाउन है, सो ये है हमारी कंपनी की असली इमेज। तुम्हारा बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, तो हमारा बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है। एनी गेसेस? और हमारा जो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है। सर जल्दी बोलो ना, खाना भी खाना है। देखो बड़ी जल्दी है, निकल जा, घर जा, चल। सर सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी बोलिए ना। तो हमारा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है हराम एम्प्लॉय। मुझे बताया तूने मेरी वीडियो लिख की थी।